देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कमान पहली बार किसी महिला के हाथ में है। पुणे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को जेएनयू का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वे जेएनयू की पहली महिला वीसी हैं। पुणे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाली प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित की शुरुआती पढ़ाई मद्रास में हुई है। जेएनयू से एमफिल में उन्होंने टॉप किया, फिर यहीं से पीएचडी भी की। 1996 में स्वीडन की उपलसला यूनिवर्सिटी से डॉक्टोरल डिप्लोमा हासिल किया। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल जैसी 6 भाषाओं में दक्ष प्रोफेसर पंडित कन्नड़, मलयालम और कोंकणी भी समझती हैं। प्रोफेसर शांतिश्री का जन्म 15 जुलाई 1962 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बेहतरीन पकड़ रखने वाली प्रोफेसर ने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दुनिया के कई नामी संस्थानों में उनकी फेलोशिप है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। बता दें, अभी तक प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जेएनयू के वाइस चांसलर थे, अब उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। जेएनयू वीसी के तौर पर जगदीश कुमार का 5 साल का कार्यकाल 26 जनवरी 2021 को समाप्त हो गया था। इसके बाद जेएनयू के वाइस चांसलर के कार्यकाल का विस्तार किया गया था। अपने कार्यकाल में एम जगदीश कुमार सुर्खियों में कई बार रहे। वहीं प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित के कुलपति बनने को लेकर कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बहरहाल पहली बार है कि देश के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की कमान की किसी महिला वाइस चांसलर के पास होगी। प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग की प्रोफेसर रही हैं। उनके पास व्यापक अनुभव है, शिक्षण कार्य में 34 साल का अनुभव है। वे जेएनयू की पूर्व छात्रा भी रही हैं। फिलहाल यहाँ प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित का कार्यकाल अगले 5 साल तक रहेगा। अभी तक जेएनयू में 12 कुलपति पुरुष ही रहे हैं। टोटल न्यूज के देवेश कुमार की रिपोर्ट।